4 नवंबर को रिलीज होंगी बॉलीवुड की 3 धमाकेदार फिल्में। कौन सी फिल्म रहेगी आगे और कौन सी पीछे? क्या कहना है फिल्म ट्रेड एनालिस्ट का? ये साल बॉलीवुड की फिल्मों के लिए कुछ खास नहीं रहा। और तो और दिवाली पर रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु और अजय देवगन की थैंक गॉड भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। हालांकि 4 नवंबर को रिलीज होने वाली 3 बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर ट्रेड एनालिस्ट ने उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बनी ये फिल्में दर्शकों को जरूर पसंद आएंगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ट्रेड एनालिस्ट गिरीश जौहर का कहना है कि कैटरीना कैफ, सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर की स्टारर फोन बूथ को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। ये फिल्म दोनों रिलीज होने वाली फिल्मों से आगे निकल जाएगी। हॉरर कॉमेडी जॉनर पर बनी ये फिल्म दूसरे कॉन्सेप्ट से जरा हटकर है और यही वजह है कि उनका मानना है कि ये फिल्म दर्शकों को ज्यादा पसंद आने वाली है। अनुमान है कि ये फिल्म पहले दिन 1.5 से 2 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। वहीं जानवी कपूर की फिल्म मिली मलयालम फिल्म हेलन का हिंदी रीमेक है, जिसकी वजह से ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान है कि फिल्म मिली का ओपनिंग डे कलेक्शन 50 लाख या फिर उससे कम का हो सकता है। अब बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की फिल्म डबल एक्सल की। सोसाइटी में बॉडी शेमिंग के खिलाफ महिलाओं की लड़ाई पर ये फिल्म एक तंज है। भले ही फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी बोल्ड हो, बावजूद इसके इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई 50 लाख रुपए तक हो सकती है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रेंड एनालिस्ट की भविष्यवाणी सही होती है या नहीं। बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों से जुड़ी हर डिटेल के लिए आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।